नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हकरम। एक बार फिर से राजस्थान में अशोक चांदना को लेकर तरह तरह के बयान जो है आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश में एक स्थिर सरकार बनानी है तो सचिन पायलट के साथ जाना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी, और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है तो इसका सियासी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। सवाल ये बड़ा है कि क्या जानबूझकर यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को नजरअंदाज किया जा रहा है। सचिन पायलट के द्वारा उठाए गए उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर राजनीतिक लेपापोथी की जा रही है, और अशोक गहलोत को सीधे तरीके से राजनीतिक विरासत जो सौंपी जा रही है। तमाम बड़े सवालों के बीच एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी चाहती है तो जनता के मिजाज को परखने के बाद ये फैसला जरूर ले लेना चाहिए कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। फिलहाल इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, और सीधे तौर पर सियासी रूप से ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं कई बड़े बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान को जल्द से जल्द बड़े फैसले लेने चाहिए। लेकिन उसके बाद सवाल ये भी है कि अगर फैसले नहीं लिए जाते हैं तो उस पर क्या एक्शन होगा और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को वो सुलझाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तमाम राजनीतिक चहल पहल इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है, और उसको लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा गर्माई हुई है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे इस पूरे मुद्दे से निपटते हैं और किस तरीके से सियासी वातावरण को वो जो है स्थिर करते नजर आते हैं। राजस्थान में मुद्दों की राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद विपक्ष के पास जो कई बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के वो सत्ता पक्ष को लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछा जा रहा है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो सरकार है पूरी तरीके से विफल सरकार है, और सरकार के जो है सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखते हैं अब राजस्थान में किस तरीके से सियासी तस्वीर बदलती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ को। धन्यवाद।